फटाक 30 सेकंड में खबरें, डाउनलोड करें आप लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने बिहार तक देखना शुरू कर दिया है। आज पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है। ये एक ऐसा मर्ज है जिसने सबकी जान अजाब बनाई हुई है और ये कब खत्म होगा इसका भी अब तक कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है। कोरोना ने हमारी दुनिया को एकदम बदल कर रख दिया है। हजारों लोगों की जान चली गई है, लाखों लोग बीमार पड़ गए और जो लोग इस वायरस के प्रकोप से बचे हुए हैं उनका रहन सहन अब बिल्कुल बदल सा गया है। वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से पहली बार सबके सामने आया था। उसके बाद से दुनिया में सब कुछ उलट पलट होकर रह गया था। ये वायरस अपना रंग बदलता रहता है। कोरोना की फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव आई तो दुनिया एक बार फिर से सहम गई और अब तो डराने के लिए एक नया वेरिएंट भी आ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओमिक्रोन की। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौर में चीजें कितनी बदल गई हैं? चलिए एक बार आपको वो दौर याद कराते हैं जब पहली बार लोगों की आवाजाही पर ही पाबंदी लग गई थी। हाँ, मैं उस दौर की बात कर रही हूँ जब लोगों को अपने घरों में बंद होना पड़ा था, दुनिया भर में उड़ाने रद्द कर दी गई थी और बहुत से संबंध सोशल डिस्टेंसिंग के शिकार हो गए थे। और शायद इन्हीं सारे उठाए गए कदमों से हमने कोरोना पर बहुत हद तक कंट्रोल भी पा लिया था और शायद इसी वजह से बढ़ते जा रहे मौतों की संख्या को भी रोका जा सका था। जब वो दौर याद आ ही गया है तो अब भी ये लापरवाही क्यों? क्यों आज भी मास्क आपको अजाब लगता है? अब तक आप में से बहुतों ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई है? चलिए इसी के साथ आपको हम बता देते हैं कि बिहार की कोरोना की क्या स्थिति है। तो गौर से सुन लीजिए क्योंकि कोरोना अब भी गया नहीं है, कोरोना आज भी है। तो चलिए एक बार आंकड़ा देखते हैं। लेटेस्ट कोरोना अपडेट की बात करें तो कल यानी कि 27 दिसंबर को राज्य में कोरोना वायरस के एक दिन में 26 नए केसेस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जो नए मरीज मिले हैं उनमें से सिर्फ पटना से 11, गया से 2, कटिहार से 1, मुंगेर से 10, पटना से 11, वैशाली से 1, वहीं दूसरे राज्य से 1 शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसको मिलाकर नए मरीजों की तादाद राज्य में 26 हो गई है। इसके साथ ही बिहार में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 116 हो गई है। जहां इस बार कोरोना का आंकड़ा 100 के पार चला गया है, वहीं अगर बात हम रिकवरी रेट की करें तो रिकवरी रेट अब भी 98.32% है। वहीं अब तक 7,14,270 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। मैं हरगिज आपको डराना नहीं चाहती हूँ, पर मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि आप लापरवाह हो जाएं। इसीलिए हम आपको रोज बिहार में कोरोना के मामलों से रूबरू कराते हैं, आपको वो वक्त याद दिलाते हैं जब हम सब पर पाबंदी थी। अगर उस दौर को आप दोबारा नहीं जीना चाहते हैं तो अभी से सावधान हो जाइए, खुद को बाहिफाजत रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए और हाँ, कोरोना से अगर बचना है तो भाई बता दें कि वैक्सीन ही उपाय है, तो वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाइए। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और बिहार तक देखते रहें।